देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। तीन फीट की मूली, पांच किलो की गोभी, छह किलो की लौकी, 35 किलो का कोहड़ा। आप भी सोच में पड़ गए ना कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच है। आप खुद इन तस्वीरों में देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप भी चौंक गए ना। रोहतास जिले के छकोनवा गांव में किसानों ने अनोखा मेला लगाया है, जहां पर जैविक खाद का उपयोग कर अद्भुत तरीके से तरह तरह के सब्जी फूल पौधे को लगाकर लोगों के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। गांव के किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं और जैविक खाद का उपयोग कर यहाँ के किसान अद्भुत तरीके से आकार में सामान्य से बहुत बड़ी बड़ी सब्जियों का उत्पादन करते हैं। हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर इन अद्भुत सब्जियों की एक प्रदर्शनी लगाई जाती है, जो किसानों का एक अनूठा प्रयास है। छकुनवा गांव के किसानों द्वारा लगाए गए इस अद्भुत सब्जियों की इस प्रदर्शनी को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। किसानों के इन सब्जियों के आकार काफी बड़े होते हैं। किसान द्वारा उगाई जाने वाली सब्जियों का आकार, जिसमें कद्दू 4 फीट की तो 3 फीट की मूली, 35 किलो का कोहड़ा, 5 किलो की गोभी, 5 किलो की बंद गोभी शामिल है। अब चलिए आपको सुनाते हैं कि इस किसान ने इन बड़ी बड़ी सब्जियों का उत्पादन आखिर कैसे किया। यहाँ हम लोग बहुत वर्षों से सब्जी प्रदर्शनी मेला में लगाते रहते हैं और लगाते आ रहे हैं। यहाँ पे जो ये बड़ा बड़ा आप सब्जी देख रहे हैं, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, ये सारे तरह के, यहाँ 40 तरह के पौधे लगाए गए हैं और ये सब्जी प्रदर्शनी में ये पारदर्श लाए गए हैं। ये वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं। यहाँ के किसान जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ वैज्ञानिक परंपरा से खेती करने से हम लोग का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और हम लोग अपने बाजार में। सबसे बड़ी बात तो ये कि इसका उत्पादन जैविक तरीके से किया जाता है, और दूसरा इसमें कृषि वैज्ञानिकों की भी सलाह ली जाती है। स्थिति ऐसी है कि सब्जी उत्पादन में ये पूरा इलाका आत्मनिर्भर हो चुका है। फिलहाल छकुनवा गांव के किसानों ने खेती करने की एक अनोखी मिसाल पेश की है और ये दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। सासाराम से मनोज कुमार, बिहार तक।